शुरू कर दिया है दंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी, पिछले 6 महीने से भारत चीन सीमा पर नहीं हुई है घुसपैठ। कोटा में चंबल नदी में नाव डूबने से एक बड़ा हादसा, 40 से ज्यादा लोग थे सवार, 7 लोगों की मौत, कई लोग लापता। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए बिगुल बजा, पहले चरण में 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंचों के लिए चुनावी प्रक्रिया का आगाज। प्रदेश में पीटीईटी परीक्षा शुरू, 2 चरणों में हो रहा आयोजन, 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी आजमा रहे अपना भाग्य। सदन में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले 6 महीने में भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई घुसपैठ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फरवरी में 0, मार्च में 4, अप्रैल में 24, मई में 8, जून में 0 और जुलाई में 11 बार घुसपैठ की कोशिश की गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा, पिछले 6 महीनों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। गौरतलब है कि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ लंबे समय से सैन्य गतिरोध जारी है। दोनों पक्षों को लेकर सैनिकों के बीच में रुक रुक कर झड़प की खबरें आती रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फंड के मसले पर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए हैं। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा, स्थिति संभाली हुई है। उन्होंने कहा कि लेकिन एक सच ये भी है कि आपदा में अफसर पीएम केयर्स। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोलती रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अभिनेत्री जया बच्चन की तारीफ की गई है। जया ने जिस बेबाकी से कहा कि मौजूदा समय में बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, सामना में लिखा है कि हिंदुस्तान के सिने जगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है, ऐसा दावा कोई नहीं करेगा, लेकिन जैसा कि कुछ 3 पार्ट कलाकार दावा करते हैं कि सिने जगत गटर है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। जया बच्चन ने संसद में इसी पीड़ा को व्यक्त किया। जिन लोगों ने सिने जगत से नाम पैसा सब कुछ कमाया है, वे अब इस क्षेत्र को गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जया बच्चन के विचार जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बेबाक भी हैं। गुजरात के सूरत में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया जब एक प्रेमी ने एक लड़की के लिए दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। घटना पांडेसरा एरिया में कैलाश चौकड़ी के पास की है। मरने वाले लड़के का नाम ब्रजेश है। वे 1 महीने पहले रोजगार की तलाश में नच से सूरत आया था। बताया जा रहा है कि नच में ब्रजेश को एक लड़की से प्यार हो गया था। जब उसे पता लगा कि वो लड़की सूरत में है तो वह उसके पीछे काम की तलाश में सूरत आ गया। उसी लड़की का सूरत में पहले से ही एक प्रेमी था। अब उसको पता चला है कि ब्रजेश नाम का लड़का सूरत शहर में आया है। मौका देखते ही उसने ब्रजेश को बीच सड़क पर ताबड़तोड़ चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया। उसे 108 से अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक ठेकेदार ने फर्जी दस्तावेजों से सरकार को फटका लगा दिया है। सुकमा के ठेकेदार शैलेंद्र बहादुर ने अ वर्ग के ठेकेदार निविदा प्राप्त करने के लिए टूल एंड प्लांट मशीनरी के फर्जी दस्तावेज लगाए थे। जब प्रमुख अभियंता ने इन दस्तावेजों की जांच की तो ये फर्जी पाए गए। सुकमा के अ वर्ग ठेकेदार शैलेंद्र बहादुर सिंह इंफ्रा को पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूडी ने जब जांच की तो टूल्स प्लांट एंड मशीनरी सर्टिफिकेट का फर्जी पाया गया। ऐसे में ठेकेदार का पंजीयन निरस्त या निलंबित किया जा सकता है। गौरतलब है कि गादीराज मेन रोड से गौरली मार्ग चौड़ीकरण के लिए आमंत्रित दूसरी निविदा में ठेकेदार शैलेंद्र कुमार सिंह इंफ्रा ने टूल्स प्लांट एंड मशीनरी का फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ ने आईईडी बम बरामद किया है। ये बम नक्सलियों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लगाया था। गौरतलब है कि सीआरपीएफ 217 बी बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी कोंटा मुरलीगुड़ा मार्ग पर नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया आईईडी बम बरामद किया गया। पुलिस के जवानों ने आईईडी बम को सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया है। देश में कोरोना की महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां कोरोना को कम होने की बात की जा रही थी, वहीं अब कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामले सामने आए हैं और 1,290 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े के अनुसार अब तक 39,42,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में संक्रमण के मामले
50,20,360 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 82,103 हो गई है। राजस्थान में भी कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 12 घंटों में 802 नए मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। कोविड 19 के सबसे ज़्यादा मामले जयपुर में 116 सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 113, अलवर में 45, अजमेर में 43, जालौन चित्तौड़गढ़ में 12, चूरू डूंगरपुर में 13, कोटा में 39, दौसा गंगानगर में 16, बीकानेर में 26, भीलवाड़ा में 27, बाड़मेर में 29, भरतपुर में 19, बांसवाड़ा में 15, बारा में 10, बूंदी धौलपुर में 14, उदयपुर में 27, सिरोही सीकर में 5, पाली में 19, प्रतापगढ़ में 37, राजसमंद में 6, टोंक झुंझुनू में 9, सवाईमाधोपुर में 4, नागौर में 17, करौली में 2 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 106,700 हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,271 हो गई है। राजस्थान के कोटा में आज एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इस हादसे में एक नाव में 3 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे और वो नाव पानी में डूब गई। नाव में करीब 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे बचाव दल ने 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं और करीब 10 से अधिक लोग लापता हैं। जानकारी के अनुसार हादसा खातौली इलाके में गोठड़ा कला गाँव के पास हुआ। हादसे के शिकार हुए ग्रामीण नाव से कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक नाव पलट गई और सभी लोग नदी में बह गए। नाव में 14 बाइक भी नदी पार करवाने के लिए रखी गई थी। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धालीवर भी मौके पर पहुंचे और फीडबैक लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए आज लोक सूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही गांव की सरकार चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया का आगाज हो गया है। ये चुनाव प्रक्रिया आगामी 10 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदेश की 3,848 ग्राम पंचायतों में ये चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे, जिसके लिए करीब 40,000 पुलिसकर्मी होमगार्ड्स तैनात किए जाएंगे। आज सभी जिला स्तर ARO ग्राम पंचायतों में चुनाव की लोक सूचना जारी कर दी गई है। सभी संबंधित ग्राम पंचायत में चुनावी कार्यक्रम को लेकर नोटिस चस्पा दिया है। पहले चरण में 1,003 सरपंच और 9,355 वार्ड पंच चुने जाएंगे। कोरोना के बीच बीएड में प्रवेश के लिए पीटीईटी एग्जाम शुरू हो गया है। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में कोविड 19 की गाइडलाइन के साथ किया जा रहा है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू कर दिया था। परीक्षा के दौरान कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सर्कल में खड़े होने के निर्देश दिए गए थे और एक एक करके सभी के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। सभी परीक्षार्थी कतार में खड़े सामाजिक दूरी के नियम की पालना करते नजर आए। प्रदेश में 690 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 1,410 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 से 6 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम पारी में 4 वर्षीय BA और BSc BEd कोर्स के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दोपहर की पारी में 2 वर्षीय BA पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा होगी। विराटनगर की ग्राम पंचायत लाड़काबास में गौ माता की सवामनी समारोह आयोजित की गई। लाड़काबास में गौ रक्षक कृष्ण यादव के नेतृत्व में गौ माता की सवामनी समारोह आयोजित किया गया। गौ रक्षक कृष्ण यादव ने कहा, गौ माता के लिए हम दिन रात एक करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक यादव ने अपनी पहली सैलरी तन मन धन से गौ माता में लगा दी। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक छात्र नेता विकास यादव ने कहा कि गौ माता की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है और उसे मन लगाकर हमें करना चाहिए। हर घर में गौ माता की पूजा होनी चाहिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।